आमतौर पर सीबीएसई केवल एनुअल एग्जामिनेशन या टर्म टू के लिए ही बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करती है, लेकिन ये पहली बार है जब सीबीएसई फर्स्ट टर्म के लिए भी बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कर रही है। तो फर्स्ट टर्म के लिए बोर्ड एग्जाम का पास क्राइटेरिया क्या होगा, इसको लेकर के काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। जब कुछ साल पहले तक दो टर्म में एग्जाम हुआ करते थे तो सीबीएसई ग्रेड दिया करती थी, इस बार स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट टर्म में मार्क्स मिलेंगे या ग्रेड्स दिए जाएंगे। इसको लेकर के सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है और उस सर्कुलर में सीबीएसई ने क्या लिखा है उसको हम देख लेते हैं। सीबीएसई कहती है कि आफ्टर कंडक्ट ऑफ टर्म वन एग्जामिनेशन रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ मार्क्स कोड विल बी डिक्लेयर, यानी अब बहुत क्लियर है कि फर्स्ट टर्म एग्जाम में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपकी तरफ से आता है कि अगर मार्क्स ही दिए जा रहे हैं तो पास होने के लिए मार्क्स की परसेंटेज कितनी होगी, क्या ये 33% होगी, क्या प्रैक्टिकल और थ्योरी में अलग अलग पास होना होगा, या फिर किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो पास होने के लिए फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स चाहिए इसको लेकर सीबीएसई कहती है कि नो स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड अंडर पास कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट कैटेगरी आफ्टर टर्म वन एग्जामिनेशन, यानी किसी भी बच्चे को पास फेल या कंपार्टमेंट में नहीं रखा जाएगा, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, ये सब डिसीजन बाद में ले जाएंगे, यानी पास फेल फर्स्ट टर्म के आधार पर नहीं किया जाएगा। और फर्स्ट टर्म में आपके कितने ही मार्क्स क्यों ना आए, आपको कंपार्टमेंट या रिपीट के लिए नहीं बोला जाएगा। तो फिर फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये अगला क्वेश्चन है जो आमतौर पर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है। फाइनल रिजल्ट के लिए सीबीएसई ने कहा है कि फाइनल रिजल्ट ऑफ सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर टर्म 2 एग्जामिनेशन, यानी फर्स्ट टर्म का एग्जाम तो अलग जरूर हो रहा है बट इसकी कैलकुलेशन फाइनल टर्म का जो एग्जाम आपका सेकेंड टर्म का एग्जाम मार्च और अप्रैल में होगा उसके बेस पर एक फाइनल कैलकुलेशन की जाएगी और उसी के आधार पर पास और फेल भी डिक्लेयर किया जाएगा। क्लास 10th में तो बहुत आसान है कि क्लास 10th में थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग पास होने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉम्बिनेशन करके 100 में से जो मार्क्स आपके बनेंगे उसमें अगर आपके 33% मार्क्स आते हैं तो आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट क्लास 12th के लिए ये थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला केस अलग अलग बनता है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल रिजल्ट टर्म 2 के बाद आपको मिलेगा और ये ओवरऑल कैलकुलेशन पर बेस्ड होगा, यानी टर्म 1 के एग्जाम के बाद आपको रिपोर्ट कार्ड तो जरूर मिलेगी जिसमें आपके मार्क्स लिखे होंगे बट उसके आधार पर पास या फेल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा या कंपार्टमेंट भी नहीं दी जाएगी। और टर्म 2 के एग्जाम के बाद ही ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि बच्चे के जो मार्क्स आए हैं उसके आधार पर उसको पास, एसेंशियल रिपीट या फिर कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा जाएगा। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।